हर किसी का सपना होता है कि वो खुद का बिजनेस करें, बट लोगों को ये लगता है कि खुद का बिजनेस अगर करेंगे तो बहुत पैसों की ज़रूरत होगी। क्या ये बात सही है? चलिए मैं आज आपकी इसी बात को गलत प्रूव करूँगा, क्योंकि मैं आज आपके लिए बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आया हूँ इस कोविड पैंडेमिक एरा में, जो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज सोनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन हूँ मैं, और आज मैं आपके सामने नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आया हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माय फिनटेक से, जहाँ हम लीगल और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है पहला बिजनेस आइडिया? आप बन सकते हैं हेल्थ कोच। हेल्थ कोच का मतलब क्या होता है? इस कोविड पैंडेमिक में सब लोगों की हेल्थ काफ़ी इम्पैक्ट हुई है, और आज की डेट में अब हर कोई सोचता है कि वो और उसकी फैमिली फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली हेल्दी रहें। तो आप उन्हें इस पर्पस को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं हेल्थ कोच बनकर। आप उनके लाइफ में उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं कि वो फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली और मेंटली कैसे पीस ऑफ माइंड अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। सेकेंड बिजनेस आइडिया है, आप बन सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र। फाइनेंशियल एडवाइज़र वही बन सकता है जिसके पास में अकाउंटेंसी और फाइनेंस का नॉलेज हो, और साथ में आपको ये बता दूँ, इसमें आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना होगा और आगे जाके आप बहुत अच्छे से इसमें कमा सकते हैं। थर्ड बिजनेस आइडिया है, आप ले सकते हैं एक इंश्योरेंस एजेंसी, डैट मीन्स आप बन सकते हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला आइडिया है जिसमें आपको एक एग्ज़ाम देना होता है और आप एक इंश्योरेंस एजेंसी ले सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास में अच्छी पर्सुएसिव और कन्विंसिंग स्किल्स हैं तो आपको ये बिज़नेस बहुत ही सूटेबल होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ बिजनेस आइडिया है हमारा माइक्रो मोबिलिटी। माइक्रो मोबिलिटी मतलब क्या होता है? एक वर्ड में आपको बोलूँगा और आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है, डैट इज़ 100 रुपीज़। आज आपके माइंड में अगर आप सुनते हैं 100 रुपीज़, सबसे पहले क्या आता है? आता है पेट्रोल। इतना महंगा हो गया आज की डेट में पेट्रोल, और आप सोचते हैं कि आपको कहीं पर भी आना जाना है तो आपको पहले माइंड में आता है कि भाई आप कितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, आपका कितना खर्च होगा, तो ये सब कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं आप। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो आज इसको रिप्लेस करने जा रही हैं धीरे धीरे आगे आने वाले सिनारियों में। तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आप इसमें जा सकते हैं, ये आगे आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। माइक्रो मोबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें इंक्लूड होता है ई बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, आप देख रहे हैं मार्केट में अभी जो आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें माइक्रो मोबिलिटी में आती हैं। तो फिफ्थ बिजनेस आइडिया क्या है? फिफ्थ बिजनेस आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग। आज की डेट में हर एक पर्सन डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो उन यूज़र्स को टारगेट करने के लिए बिजनेस ओनर्स ये देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे करें। तो वो प्रोडक्ट्स कैसे मार्केट करते हैं? वो करते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी खुद की ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी, और आप अच्छे कॉन्टैक्ट्स डेवलप करके, नेटवर्किंग करके अच्छा एक अपना क्लाइंटल बेस डेवलप कर सकते हैं, और ख़ुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप खोल सकते हैं, जिसमें कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, SEO जिसे हम कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, इसके लिए गूगल आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी देता है, वो भी आप सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं और एक अपनी खुद की एजेंसी शुरू कर सकते हैं। तो सिक्स्थ बिजनेस आइडिया है हमारा मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, तो आप खुद का मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स का एक स्टोर खोल सकते हैं। इसके लिए आपको ड्रग्स लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको बेसिक जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो करवाएंगे आप। आपको इसमें ये जानकर अभी खुशी होगी कि भाई आज की डेट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें थर्मामीटर्स हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, तो कोविड पैंडेमिक एरा में इन सब की डिमांड कितनी ज़्यादा रही है। तो आप इसके एक होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप रिटेल आउटलेट स्टोर भी खोल सकते हैं। सेवन्थ बिजनेस आइडिया क्या है? सेवन्थ बिजनेस आइडिया ये है जॉब प्लेसमेंट एजेंसी का। आप खुद की जॉब प्लेसमेंट एजेंसी खोल सकते हैं, जहां आप अभी इस कोविड पैंडेमिक एरा में कितने लोगों की जॉब चली गई हैं, जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स भी हैं उनकी भी कई बार देखा जा रहा है कि जॉब चली गई है, तो आप उन्हें प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी कंपनीज में उनकी प्लेसमेंट करा सकते हैं। और आपको बता दूँ, इसमें वो कैंडिडेट्स आपको 1 मंथ एक सैलरी भी आपको देते हैं पार्ट ऑफ
एज अ कमीशन कि आपने उनकी जॉब लगाई है, तो एक अच्छा है रेवेन्यू सोर्स है। अगर सपोज आपने किसी की 10,000 में भी जॉब लगाई तो सीधे सीधे आपकी तुरंत 10,000 की एक इनकम हो जाती है, और साथ में जो पर्सन की जॉब आपने लगाई है वो भी आपको हमेशा थैंक यू बोलेगा कि उनकी जॉब लग गई। हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जॉब प्लेसमेंट्स के नाम पर आज की डेट में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, जहाँ कंपनीज़ आपको ये बोलती हैं कि वो आपकी जॉब लगा के देंगी और इसके अगेंस्ट वो आपसे पैसा भी डिमांड करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आज की डेट में इससे रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो आप उससे बच कर रहें। कहीं पर भी ऐसा कोई पैसा का आप ना दें, लेन देन ना करें जहाँ पर आपको जॉब प्लेसमेंट पहले मिली ही नहीं है और आपको वो एश्योरिटी दे रहे हैं कि जॉब प्लेसमेंट मिल जाएगी। जब तक आपकी जॉब ना लग जाए, आप कंपनी विजिट ना कर ले, सही में आप देख ना ले कि भाई हाँ वो कंपनी जेन्युइन है, तब तक आप किसी भी दूसरी कंपनी को पैसा ना दें और आप बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए, जिससे कि लोग इस चीज़ से बचें। 8th बिजनेस आइडिया क्या है ये? दिस इज़ होम रेस्टोरेंट। होम रेस्टोरेंट आप सुन रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि भाई रेस्टोरेंट सुन रहे हैं, पर होम रेस्टोरेंट क्या है? होम रेस्टोरेंट मैं आपको बता दूं, आप खुद के घर में अपनी स्पेशलिटी का खाना बनाइए, उसमें एक मेन्यू चार्ट बनाइए और आप पार्टनर बन सकते हैं जोमाटो, स्विगी, बॉक्सेट, ओवर ईट्स, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप काफ़ी सुने होंगे इनके बारे में। तो आप इनमें अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स यानी कि अपने होम जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इनको आप बेच सकते हैं, और साथ में आपकी जैसे कुछ स्पेशलिटी है जो आप बहुत अच्छा बनाते हैं तो उसको भी आप लिस्ट करिए। आगे जाके क्या जाने आप बहुत बड़ा एक ब्रांड भी बन जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके लेडीज़ और गर्ल्स के लिए कि जो घर में हैं आज, उनके लिए उनको खाना बनाना तो आता ही आज की डेट में हम देखते हैं, और तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप लिस्ट करके अपने आपका खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं और होम रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। इसमें फ़ायदे वाली बात ये भी है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम एक बाहर कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, काफ़ी एक लाविश एम्बियंस चाहिए, आपको वो सब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि आप घर में कैसे बना रहे हैं। बट आप हाइजीन फॉलो करते हुए अच्छा एक एनवायरमेंट देकर अपने आपका प्रोडक्ट्स को बनाइए, अपने फूड प्रोडक्ट्स को, और इसमें जोमाटो, स्विगी, ओवर ईट्स, बॉक्सेट, बहुत सारे ऐप्स हैं, इसमें आप लिस्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो 9th बिजनेस आइडिया में आते हैं हम। 9th बिजनेस आइडिया है, आप बन सकते हैं रीसेलर। रीसेलर मतलब क्या होता है? रीसेलर मतलब ये होता है कि आपको किसी कंपनी का ब्रांड या प्रोडक्ट उनका ख़रीदना है और आपको उनको पास ऑन करना है किसी एंड कंज्यूमर को, या दैट मीन्स किसी को बेचना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि आप एक रीसेलर बन सकते हैं। आपको इसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन हैं, आप या तो इसे ऑफलाइन मोड में बेच सकते हैं या ऑनलाइन मोड में बेच सकते हैं। ऑफलाइन मीन्स जैसे कि एग्जांपल बिग बाज़ार, किराना स्टोर्स, जो कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स जैसे कि टाटा सॉल्ट, पार्ले, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, वैसे ही आप भी बेच सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारे आज की डेट में ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें आप लिस्ट कर सकते हैं अपने एक बिजनेस एंटिटी को और आप रीसेलर बन सकते हैं। तो चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज़ आप एक मोबाइल कवर बेचने का बिज़नेस करते हैं, तो आप इसे सपोज़ एग्जांपल के लिए आपने इसे ख़रीदा है 50 रुपये में और आप अब उसे बेचना चाहते हैं 150 रुपये में, आप इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में लिस्ट करिए। अब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट इसमें आपका कुछ कमीशन आपसे लेगा सेल करने का, सपोज़ वो कमीशन अमाउंट होता है 20 रुपीज़। अब आपने प्रोडक्ट ख़रीदा कितने में था? 50 रुपये में। आप बेच रहे हैं उसे 150 रुपये में और 20 रुपये सपोज़ आपने कमीशन दे दिया अमेज़ॉन को, तो आपके पास से बचा कितना? सीधे सीधे 80 रुपये का प्रॉफिट। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास में एक अच्छा बिज़नेस मॉडल है बाय बीइंग अ रीसेलर। तो 10th बिज़नेस आइडिया में हम आते हैं। 10th बिज़नेस आइडिया आपका है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। दैट मीन्स अगर सपोज़ आप एक टीचर हैं और अगर आपके पास में अभी जॉब नहीं है तो आप घर बैठे लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ट्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और सपोज़ अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, जैसे कि आप सपोज़ आपको डांस बहुत अच्छा आता है या फिर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप हॉबी क्लासेस शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। तो ये भी एक आपका रेवेन्यू सोर्स बन सकता है, क्योंकि अभी आज की डेट में हर कोई एक एडजस्ट हो गया है इस कोविड पैंडेमिक एरा में कि उन्हें पता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ही कर सकते हैं, तो क्यों ना बच्चों को एटलीस्ट वो तो कराएं, क्योंकि फिज़िकल क्लासेस तो हो नहीं पा रही हैं। तो आप इस चीज़ का एक कहीं ना कहीं से आप एडवांटेज उठा सकते हैं। तो 11th बिज़नेस आइडिया है हमारा वेजिटेबल होम डिलीवरी। दैट मीन्स आप घर बैठे लोगों को सब्ज़ी, फल, फ्रूट प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने इस बार कोविड पैंडेमिक एरा में देखा कि सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट बहुत अफेक्टेड हुए हैं, बट
वेजिटेबल्स रिलेटेड बिजनेस कहीं पर भी इफेक्ट नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर फैमिली की प्राइम बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनको खाने के लिए फल फ्रूट सब्ज़ी ये सब तो चाहिए ही। तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और एक अच्छे मॉडल में डेवलप कर सकते हैं आगे, एक अच्छा चेन बना सकते हैं, एक अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें घर बैठे लोग आपसे फल फ्रूट और सब्ज़ी ये सब ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो 12th बिज़नेस आइडिया में हम अब देखते हैं क्या है वो। 12th बिज़नेस आइडिया है आपका, आप बन सकते हैं खुद के बिज़नेस के ब्रांड ओनर। अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कोई नहीं बना सकता, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको कहना चाहूँ तो मेरे क्लाइंट हैं जिनका जो चटनी जिनकी मदर बहुत अच्छा बनाती थी, तो उन्होंने खुद का एक ब्रांड बना लिया जिसका नाम आज काफ़ी फेमस है, मौसी जी का सुप्रसिद्ध चटनी। तो वो मेरे क्लाइंट हैं, आज उनका बिज़नेस मॉडल ऐसा है कि वो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सिर्फ खुद की चटनी। तो आप देख सकते हैं कोई भी बिज़नेस छोटा या बड़ा नहीं होता, आपके पास में आइडिया होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं बिज़नेस में। वैसे ही एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूँ, मेरे एक और क्लाइंट है जो सोप बनाते हैं और वो अपना खुद का एक ब्रांड डेवलप कर चुके हैं जिनकी काफ़ी स्पेशलिटी उनकी है कि वो अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग फ्रेग्रेंस में खुद के घर में सोप बनाते हैं, शैम्पूज़ बनाते हैं। तो आप भी अपने, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसी कोई क्षमता है कि आपको पता है कि भाई ये जो एक प्रोडक्ट है वो कोई नहीं बना सकता है, वो सिर्फ आपको पता है, तो आप खुद का एक बिज़नेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं, खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं जो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत बड़ा एक ब्रांड बन जाए, जैसे कि डव हो, लक्स हो। जैसे कि मैंने एक सोप का ब्रांड्स लिया, वैसे ही कि सपोज़ आपकी जो भी नेचर ऑफ बिज़नेस होता है उसमें आप हो सकता है बहुत बड़े एक ब्रांड बन जाए। तो 13th बिज़नेस आइडिया क्या है? 13th बिज़नेस आइडिया, आप बन सकते हैं फ्रीलांसर या फिर कंटेंट राइटिंग का आप काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो कंपनीज आपको हायर करती हैं जिसमें आपको वो कंटेंट राइटिंग के लिए पैसा देती हैं कि आप उनके लिए जो भी बिज़नेस उनके मॉडल है उसमें कंटेंट राइटिंग करिए और आपको अच्छा खासा पैसा बन जाता है। तो एक आप ये बिज़नेस भी कर सकते हैं, साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती है बाई बींग फ्रीलांसर। तो 14th बिज़नेस आइडिया ये है, आप बन सकते हैं ड्रॉप शिपर, दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस आप कर सकते हैं। क्या होता है ये, आपने आज तक इसके बारे में सुना है नहीं सुना है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ड्रॉप शिपिंग मतलब होता है कि आप कोई प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं और आपको उसे अपने यहाँ पर कोई गोडाउन में या फिर इन्वेंट्री में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जैसे कस्टमर से ऑर्डर आता है, आप जिनसे वो प्रोडक्ट ख़रीदने वाले थे, आप उनको इंटीमेट कर देते हैं कि भाई ये मेरे पास ऑर्डर्स आए हैं, और वो जो प्रोडक्ट बेचने वाला है वो उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा देता है, उनकी डिलीवरी की जवाबदारी रहती है, आपका जो भी कमीशन पे आउट होता है वो आपको सेलर से मिल जाता है। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग, तो आप ये बिज़नेस भी कर सकते हैं। 15th बिज़नेस आइडिया, डैट मीन्स लास्ट बिज़नेस आइडिया फॉर द डे, दैट इज़ यू कैन बिकम अ यूट्यूबर। आप खुद का एक चैनल ओपन कर सकते हैं जिसमें कि आप एक अपने आपके निश के हिसाब से, जो आपका एक जॉनर है, जो आपको लगता है कि भाई हाँ मुझे इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जैसे कि सपोज़ आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप टेक सेवी हैं, तो आप खुद के चैनल को टेक सेवी बना सकते हैं जिसमें आप मोबाइल्स हो गया, डिजिटल जो भी मीडियाज डिवाइसेज हो गए उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं लोगों को। अगर आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे YouTube चैनल में हम आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और लीगल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको पहुंचाएं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एक YouTube चैनल का क्या निश रहेगा, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसके हिसाब से आप YouTube चैनल तक बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि जैसे आप बहुत बड़े एक मोटिवेशनल कोच बन सकते हैं तो आप उसमें भी YouTube चैनल बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सबको आप इवेल्युएट करके अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताए हैं 15 बिज़नेस आइडियाज़ जो आप एक विचार बना सकते हैं और आप खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही प्राइम रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सेकेंडरी थिंग है, प्राइम रिक्वायरमेंट है इनिशिएटिव स्टार्ट, दैट इज़ द बिगेस्ट हर्डल जो क्रॉस करना होता है कि भाई मुझे खुद का एक स्टार्ट लेना ज़रूरी है। वंस यू स्टार्ट, आपको खुद को समझ में आ जाता है कि आपको आगे चलना कैसे है और फिर दौड़ना कैसे है। एक बार वो सीख जाएंगे तो आप अपने आप अपने राह में चलना शुरू कर देंगे और आप बिज़नेस में सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो विश यू अ वेरी गुड लक, थैंक यू।